हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग वाटर साइन की, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की, और बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना। ऑलराइट, तो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका वर्क, आपका हेल्थ और ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आती है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए, ठीक है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि के लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी लव लाइफ, यानी कि आपका रिलेशनशिप, आपका पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है कर्क वृश्चिक और मीन राशि के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स स्टार्ट। ओके, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, Four of Pentacles, all right, and we have Queen of Pentacles. Okay. फ्रेंड, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसा रहा हो कि थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत है, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपको दूसरे लोग सजेशन देंगे वो सही है। आप अपनी खुद की इंट्यूशन का, खुद के सेंसेस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आप रिलाय बहुत ज़्यादा कर जाते हैं लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सब आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास अकल नहीं है। आप मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जिसके पास बहुत सारे गुण हैं, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने गुणों को अभी तक डिस्कवर किया ही नहीं है। ये गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपे हुए हैं। तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में अफेक्ट कर रही है। इससे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इशू चल रही है, और उस वजह से जो है आपकी रिलेशनशिप में एक लंबा दरार आया हुआ है। हो सकता है इस चीज़ को होकर 4 से 5 महीने बीत गए हैं, एक लंबा टाइम बीत गया है। कुछ लोग के लिए तो हो सकता है ये 6 महीने से ऊपर हो चुका है कि आपके पर्सनल लाइफ में ही इशू चल रहे हैं। कुछ लोगों की मदर भी जो है इस क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में इशू चल रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मदर भी अफेक्टेड हुई हैं इस इशू से। और कुछ लोगों के लिए आपके हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज में आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आप जो भी हैं, मेल है या फीमेल है, जिनके घर में भी इशू चल रहा है, तो मदर का यहाँ पे किसी की मदर इफेक्ट हुई है इस रिलेशनशिप के, और किसी की मदर कारण है इस दूरी को होने के लिए। तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, बट हाँ ये इशू है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है जो भी कार्ड्स में ऑनेस्टली आते हैं मैं वही रीडिंग में आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको रिश्ते निभाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम कायम हैं। आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों के बिना ज़िंदगी में कुछ है नहीं। बट मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करें। देखिए, रिश्ते अपनी जगह पर होती है, पर अगर आप उसको यूं ही लोगों के भरोसे छोड़ देंगे तो आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो आप हमेशा लोगों पर ही निर्भर करते हुए जियोगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो आपका महीना है, थोड़ा सा आपको सोच समझ कर आप अपनी कौन सी बातें किससे शेयर कर रहे हैं, कौन सी बातें लोग आपसे सुन तो रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी जो काफ़ी भोले भाले हैं, काफ़ी इनोसेंट भी हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सरलता से अपनी बातें दूसरों को बोल जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो जो भी आपको हिदायत दे रहे हैं, जो भी आपको सजेशंस दे रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, वरना
आप बुरे फंस सकते हैं, किसी के साथ आपके बेवजह के पंगे भी मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस चीज़ को बहुत लंबे समय से बचाने की कोशिश करें, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो अगर आपकी कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के नज़रों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए हाईलाइट हो रही है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को हमेशा एक ओपन बुक की तरह रखा है। आप जिनसे भी बात करते हो बिल्कुल खुले दिल से बात करते हो, तो आपको आपके लव रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप या आपके फैमिली रिलेशनशिप में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो पुराने मसले हैं उन पर आप किसी दूसरे के सजेशन से बिल्कुल भी ना चले। आप अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप देखें कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है, और अगर आपको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, अगर आपकी सिचुएशन, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही फ्रेंड्स, तो मुझे पता नहीं है ना कि आप सबकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपकी पर्सनल इंस्टिंक्ट आपको ऐसी कहती है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको ऐसी कहती है कि नहीं अभी आपको एक्ट नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा इस बात को सुनने की कोशिश करें, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके लिए रिश्ता बहुत मैटर करता है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दोस्ती बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जो आपका बेवजह से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो दिखा तो रहे हैं कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही साथ निभाने वाले दोस्त हैं, बट वो है नहीं फ्रेंड्स। ये आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि मैं दोस्त की बात कर रही हूँ, ये कलीग भी हो सकते हैं जो आपके दोस्त तो दिखाते हैं कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट शायद वक्त आने पर ये आपको धोखा दे दे, तो थोड़ा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपकी वर्क लाइफ कैसे रहने वाली है। वी हैव द लवर्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोच एंड वी हैव द जस्टिस पाव। ओके, वाटर साइन। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो लवर्स का कार्ड आया, और आपको पता है लवर्स का कार्ड क्या होता है। तो यस, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थे या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप या फिर आप जानते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है, और कहीं ना कहीं अगर आप उनसे सेपरेटेड हो चुके हैं, चाहे इसका कारण कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, चाहे आपके फैमिली के कोई मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से अलग हुए थे बट आपको पता है ये कौन है, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी रीयूनियन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी कार्मिक रहने वाली है। यानी कि ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन थे, और किसी तीसरे पर्सन की वजह से, कोई थर्ड इंडिविजुअल है जिसके वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम से अलग हुए हो, या फिर ट्विन फ्लेम के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो आपने किसी तीसरे के वजह से छोड़ा, तो ये जो तीसरा पर्सन है जो आपके और इस पर्सन के बीच में आए थे, ये पर्सन का असली चेहरा आपके सामने नजर आएगा, और आप फिर से अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट हो पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके लिए, देखिए ये मैं ऑब्वियसली वर्क रीडिंग कर रही हूँ, बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड दिखा तो मुझे यही मैसेज सबसे पहले चैनल हुआ है। वर्क लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टफ रह सकता है ये महीना आपके लिए वर्क लाइफ के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं अपनी फैमिली को, अपने अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा टफ रह सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मा जो है बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रही है। कार्मा जो है आपको उतना ही फल देगी जितना आप मेहनत करो। अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप काम को टाल देते हो, या फिर अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप काम को दूसरे के ऊपर निर्भर करके छोड़ देते हो, तो थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं। किसी भी ऐसे लोगों के साथ पंगे ना लें जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि मैं पंगा ले रहा हूँ और मैं कर लूँगा, बट आप अंदर से कॉन्फिडेंट ना हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है, कि कोई एक ऐसी लेडी या फिर कोई ऐसी आपकी कलीग हो सकती है जो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या आपकी कोई दोस्त हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा बार बार मैसेज मिल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से फंस सकते हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में फंस सकते हो, यानी कि अगर आप ऑफिस जाते हो, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी वो पर्सन आपको इफेक्ट कर रही है। हो सकता है वो आपके दोस्त रूप में आपकी एक अच्छी फ्रेंड बन गई है, आपको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बट थोड़ा
सा सतर्क रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का इंटेंशन जो है आपके पर्सनल लाइफ के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ये बात भी यहाँ पर मैसेज के थ्रू नज़र आ रहा है कि वर्क लाइफ में कार्मिक इश्यूज अगर आपके रहे हैं, वर्क लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले यानी कि मिड ऑफ द मंथ के बाद, ऑलराइट, ये नवंबर जब से स्टार्ट होगा, मिड ऑफ द मंथ के बाद आपकी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी लग रहे हैं कि आपका वर्क लाइफ ज़्यादातर अफेक्ट किया हुआ है क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में इशूज़ चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के इशूज़ को पूरी तरीके से क्लियर आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपका जो ये वर्क लाइफ है वो भी स्टेबल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी मिल रही है कि आप कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं जिनका जो वर्क लाइफ है वो आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपका पर्सनल लाइफ ठीक है तो आपका लव लाइफ, मतलब आपका वर्क लाइफ भी अच्छा है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है आपको बैठाने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन सही से बैठाइए, आपके लिए अच्छा समय है, कार्मिक समय है आपके वर्क के लिए, यानी कि जस्टिस होने वाला है, यानी कि कर्मा जो है अपना रोल प्ले करने वाली है। कुछ है यहाँ पर, कुछ लोग हैं जिनकी नज़र डेफिनेटली आपके काम पर है, आपके काम को बिगाड़ने के ऊपर है, या फिर आपको गलत सलाह दी जा रही है या फिर दी जाएगी। थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, चीज़ें सही होंगी। चलिए देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। ओ, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, ओ माय गॉड, वी आर द डेविल। देखिए, अगर आपके मन में कोई ऐसी चिंताएं हैं, कोई ऐसी धारणाएं हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन, यानी कि बॉडी एक हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बार बार बुखार आना हो सकता है, अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होता है कि आपको बुखार आ जाता है या फिर बॉडी पेन इतना रहता है, स्पेशली लोअर बैक पेन हो सकता है, अगर ऐसी चीज़ों से आप बार बार गुजर रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ की चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ कि आप लंबे समय से बेड रिडन होते हो या फिर लंबे समय तक आप बीमार रहते हो, बट हाँ, ऐसा डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। और इसका कुछ ना कुछ कारण ये भी हो सकता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। जी हाँ, कुछ लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य लग सकता है, स्पेशली अगर आप मेल हैं सुन रहे हैं कि नज़र लग सकता है। जी हाँ, नज़र इंसान को लगती है। आपके आप जिस तरीके से बात करते हो, आप जिस तरीके से अपने काम को करते हो, आप जिस लिहाजे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कि कौन से लोग आपको किस निगाहें से देख रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। तो यस, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसी छोटी मोटी बीमारी अक्सर एक महीने दो महीने में लगी रहती है, अपने हेल्थ का प्रॉपर चेकअप कराएं, आपकी हेल्थ सही हो सकती है अगर आप अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश करें। तो जो लोग ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको भी ये बोला जा रहा है कि थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने आप को कहते हैं ना, रेस्ट एंड रिज्यूविनेट करें, थोड़ा सा बाहर जाएं, थोड़ा दोस्तों से घुले मिले, थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आई है। व्हाट अ साइन, लेट्स सी। ओह, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, बोला जा रहा है कि जिस चीज़ को लेकर भी आपके मन में डर है, जिस चीज़ को भी लेकर आपके मन में एक फियर है, जिस चीज़ को भी लेकर आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि पहले से ही आप एक स्टोरी नहीं बिल्ड कर सकते हैं। पहले से ही आपको स्टोरी बिल्ड ना कर ले कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर ये मेरा काम नहीं है, या फिर ये मुझसे नहीं हो सकता। अपने आप पर भरोसा करें, अपने आप पर ट्रस्ट करें, सारे काम डेफिनेटली आपके बनेंगे अगर आपको खुद पर ट्रस्ट हुआ तो। ऑलराइट, तो ओवरऑल रीडिंग आपके लिए ये बता रही कि पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रही है, अगर आपको कोई छोड़कर गया है या फिर आप किसी से अलग हुए हो और उसका कारण सामने वाला है, और उसके वजह से अगर आपकी मदर की हेल्थ में इश्यूज चल रही है, अगर आपकी मदर इफेक्ट हुई है, तो उनका ध्यान रखें, अपनी बातें जल्दी लोगों से शेयर ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, और अपने डिसीजंस खुद लें। अगर आप अपने ट्रू लव से, यानी कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अगर आप जानते हैं, और उनके साथ अगर कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप हुआ है, वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड इंडिविजुअल की वजह से, तो उस थर्ड इंडिविजुअल का असली चेहरा नज़र आएगा और आप फिर से अपनी ट्विन फ्लेम के साथ, उस पार्टनर के साथ रीयूनाइट कर सकते हैं जो आपकी रियल लव है।
और आपकी हेल्थ को लेकर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। अगर आप हर कुछ महीनों के अंदर आप छोटी छोटी बीमारियों में फंस जाते हो, बुखार है, सर्दी है, ये है वो है, जो आप बहुत लाइटली ले रहे हो, तो थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।